हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कैंडिडर्मा प्लस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। कैंडिडर्मा प्लस क्रीम का इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में किया जाता है। आइए इस क्रीम के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये क्रीम कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस क्रीम के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस क्रीम से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 10 ग्राम की क्रीम आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 94 रुपीज में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। कैंडिडर्मा प्लस क्रीम में लोट्रीमेजोल IP 1%, नियोमाइसिन सल्फेट IP 0.5%, बेक्लोमिथासोन IP 0.25% यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद बेक्लोमिथासोन यह ड्रग कार्डिकोस्टेरॉइड के क्लास में आता है। यह बॉडी में मौजूद सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। नियोमाइसिन यह ड्रग एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो बैक्टीरिया को किल करता है और उन्हें दोबारा होने से रोकता है। कोट्रीमेजोल एक एंटी फंगल ड्रग है जो बॉडी में फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है और उन्हें दोबारा होने से रोकता है। बात करते हैं इस क्रीम की यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जांग पर खुजली आने की समस्या, दांत, फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, एथलीट फुट मतलब पैरों की उंगलियों के बीच में स्किन इन्फेक्शन होना, सेवा मतलब त्वचा पे फीके धब्बे आकर वहाँ खुजली महसूस होना, वजाइनल इन्फेक्शन, कॉन्टेक्टेड डर्माटाइटिस मतलब त्वचा पर लाल रंग के धब्बे आना और वहाँ पर खुजली महसूस होना, एलर्जी, इन सभी समस्याओं में डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इसे यूज करने के तरीके के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इसका यूज करने का तरीका अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। वयस्क व्यक्ति एन एडल्ट ये क्रीम थोड़ी सी मात्रा में लेकर इन्फेक्शन वाली जगह पर दिन में 2 बार लगा सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस क्रीम के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आपको क्रीम में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको त्वचा में जलन, त्वचा लाल होना, क्रीम अप्लाई किए वाली जगह पर जलन महसूस होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस क्रीम को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस क्रीम में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है या फिर आपको इस क्रीम के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इस क्रीम का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। दोस्तों, इस क्रीम में स्टेरॉइड ड्रग होने की वजह से इसे ज्यादा दिन तक यूज न करें। जब तक आपके डॉक्टर ठीक समझे तब तक ही इस क्रीम को यूज करें। इस क्रीम को घाव वाली जगह पर न लगाएं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।